हमारे YouTube चैनल Godlywood स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जो चर्चा कर रहे हैं भाई जी कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई किसी भी क्षेत्र में, तो गलती को कोई याद दिलाए तो फिर भी जल्दी स्वीकार हो जाता है। ठीक है भाई, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ऐसा भी होता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, जबरदस्ती कोई लांछन लगा दिया जाए या कोई बोल दिया जाए, उसका एक प्रकार से दिल में ज्यादा हर्ट होता है। गलती होने पे तो मनुष्य को रहता ही है कि भाई गलती हो गई तो बोलने वाले कुछ तो बोलेंगे ही। जी, मैंने शुरू में बहुत प्रैक्टिस की थी। एक दिन मैंने ब्रह्मा भोजन बनाया, चावल थे बहुत अच्छे, पुलाव जिसे हम कहते हैं, चावल थोड़े हार्ड रह गए। जी, अभी मैं भी खाया, हार्ड थे, मैंने सोच लिया अब तो सुनना पड़ेगा, दो चार लोग ये जो है ना वो तो जरूर बोलते हैं, क्योंकि वो चिढ़ते भी हैं, इसका बहुत नाम होता है। वो आए और बोला, और क्योंकि मैं तैयार था इसलिए मुझ पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा हाँ भाई आज गलती रह गई, मैंने चेक नहीं किया था, आगे से ध्यान रखेंगे। इतना बोलने से वो भी शांत होके चले गए। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि हमने कुछ किया नहीं और फिर भी लोग बोल रहे हैं, यही परीक्षा का काल होता है। और इसमें हमें सोच लेना चाहिए कि इस परीक्षा में मुझे फुल पास होना है क्योंकि मैं राइट हूँ, मुझे अपनी शक्तियों में विश्वास होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्योरिटी के पथ पर चल रहे हैं, हमारा पवित्रता का मार्ग है। अब तो खैर ये बात सबको पता लग गया, लेकिन अब से 40-50 साल पहले लोग कमेंट किया करते थे, ये सब साथ साथ रहते हैं और ये रहेंगे पवित्र, सब झूठ बोलते हैं और बुरा बोलते थे। तो हम लोगों को क्योंकि पता था कि हम पवित्र हैं, तो उनकी बातों को हम ऐसे उड़ा देते थे, ये तो बोलते ही रहेंगे जैसा इन्होंने सुना है, पर हम तो पवित्र हैं। अपनी सत्यता में विश्वास रखने से हम दूसरों की ऐसी वैसी बातों के प्रभाव में नहीं आते, अपनी मनोस्थिति को नहीं खोएंगे। तो ये बहुत सुंदर लेसन सबके लिए है। समाज में, संगठनों में ये बात होती रहती है, और मनुष्य को अपनी सत्यता में विश्वास रखना चाहिए। जी, बस यहाँ हम संपूर्ण सफल हो जाए, माना उसमें हमारी अगर गलती नहीं हुई है तो हम जिद्द और सिद्ध में ना उतर जाए। हाँ, सिद्ध करने का प्रयास ना करें जो हम करते हैं। बस यही है कि अगर हम सत्य हैं, हमने गलती नहीं की, तो उस सत्यता का प्रूफ हम यही दें कि हमारी स्थिति बहुत सुंदर है, अचल अडोल, ये सत्य का प्रूफ है। अगर हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया और हम सत्य भी हैं, हमने गलती नहीं की, लेकिन दूसरे की बात सुन के हमारी मनोस्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई, उसे हमने लड़ाई भी कर ली और अपनी सारे खेल बिगाड़ लिया, खुशी खो दी, तो हमारी सत्यता की शक्तियां छीन हो गई और लोग मानेंगे कि ये जो बात कर रहा था लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है। भाई साहब, कई बार हम सत्य के पथ पर तो चलते हैं, लेकिन कभी कभी जब इस तरह की परिस्थिति को सामना करना पड़ता है तो मन में बहुत तरह तरह के विचार आते हैं, संकल्प चलते हैं, और उस समय कई बार हमारे मन में खिन्नता भी आ जाती है, बदला लेने की भावना भी आ जाती है। हम लोगों का संगठन भी बहुत बड़ा है, मैं तो ऐसा कहूंगा संसार में सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर भी है। जी, निर्विघ्न है, स्वीट है, हमारी यूनिटी में बहुत पावर है। ये बाहर के आने वाले लोग हम सबको कहते हैं, हमें तो पता नहीं होता था शुरू में, हमें कहते थे कि संगठन देखना तो आपका हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा स्ट्रॉन्ग संगठन हो जाए तो न जाने क्या क्या कर दें। फिर भी संगठनों में बातें आती हैं, संगठन बढ़ता गया, पहले सैकड़ों में होते थे, हजारों में हुए, अब लाखों में हो गए, करोड़ के पास जा रहे हैं, डेडिकेटेड लोग ही हमारे पास लाख हैं। जी, तो समस्याएं आती हैं, ऐसे वैसे लोग भी संगठनों में आ जाते हैं, सभी तो अच्छे नहीं होंगे, ईर्ष्या करने वाले भी आ जाएंगे, बुरा बोलने वाले भी आ जाएंगे। तो शिव बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है, ये भगवान का परिवार है, ये संगठन उसका तैयार किया हुआ है इस युग को नूतन बनाने के लिए। तो उन्होंने ये बात एक बार बहुत अच्छी कही, सत्यता की शक्ति पर भगवान के महावाक्य चल रहे थे कि सत्यता में बहुत शक्ति है, सत्य को सुनना अवश्य पड़ता है, सत्य को ही ज्यादा सुनना पड़ता है, असत्य को नहीं सुनना पड़ता, सत्य के मार्ग में काले बादल आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास होना चाहिए ये काले बादल हटते हैं, हटेंगे, सत्य का सूर्य चमकने लगेगा।
हमारे YouTube चैनल Godlywood स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।